आज की वीडियो में हम मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, ZXi पेट्रोल है, ऑटोमेटिक में है। तो ऑटोमेटिक का मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि पेट्रोल ऑटोमेटिक में मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो आज हम इसका जो ड्राइव इम्प्रेशंस है, चलने में कैसी है, 0 to 100 सब कुछ आज मैं आपको इसका एक्सपीरियंस है। थोड़ी ऑफ रोडिंग के ट्रैक पे भी इसको लेके जाऊंगा कि छोटी गाड़ी जैसे हैचबैक है ये, तो क्या हमको इसमें कोई दिक्कत आती है, तो वो आज सारी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इट्स मी अलावत चैनल पे। तो यहाँ मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, कार से रिलेटेड, वो मैं सारी बनाता हूँ और वेडनेसडे और संडे को मैं उसको अपलोड करता हूँ। इट्स मी अलावत चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। इस चैनल पर आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही नहीं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये मेरा जो चैनल है, मेरी वीडियोस हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अपने जो व्यूज़ हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, बता दो यार। फाइव स्पीड AMT ट्रांसमिशन हमको इस गाड़ी पर मिलता है। तो इसको मैं डी पर करके हैंड ब्रेक नीचे करता हूँ, तो यहाँ सामने डी भी लिखा आ चुका है। तो 1200 cc का हमको इंजन मिलता है इस गाड़ी में, उसी के साथ 89 BHP की पावर, साथ में 113 Nm का टॉर्क कंपनी गाड़ी में देती है। BS6 नॉर्म्स के साथ आती है। फिलहाल मैं हाईवे पर आ चुका हूँ, 50 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, फोर्थ गियर लगा हुआ है। तो अब मैं थोड़ी रेस देकर देखता हूँ। अब जैसे ही 2000 से ऊपर, अभी 3000 4000 ऐसे RPM जाता है, तो अंदर तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती। विजिबिलिटी की बात करूं तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, हालांकि आगे का जो जैसे विंड स्क्रीन वाली लाइन होती है पूरी, वो दिखती है, पर हैचबैक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। 80-90 की स्पीड पे फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ फिफ्थ गियर पे। तो अभी मैं स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो स्टेयरिंग व्हील कोई ऐसा तो नहीं है कि अनस्टेबल हो, हालांकि और गाड़ी या कुछ ऐसा भी होता है जिसका स्टेबल ना हो तो कहीं गाड़ी सीधा लग ना जाए कहीं, तो इसका स्टेबल है पर थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है। बॉडी स्ट्रक्चर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये गाड़ी ज़ीरो है, सेफ कार हम इसको नहीं कह सकते। टीन के डब्बे के नाम से काफ़ी फेमस है वैसे ये गाड़ी, मारुति इस पर थोड़ा काम करे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं मोड़ के देख रहा था कितना कुछ है, तो थोड़े से वैसे छोटी गाड़ी है, स्विफ्ट मुड़ जाती है, इतनी लंबी कर्व नहीं है। और यहाँ पर भी हमको इसके, अगर हम स्पीड की बात करें तो कोई ऐसी ठीक है, इतना हमको लैग नहीं मिलता हालांकि पेट्रोल पे, पर जैसे ही मैं इसको एकदम से रेस देता हूँ एक बार झटका तो देती है। और अगर मैं टोटल RPM की बात करूँ तो ये तीसरा गियर लगा हुआ है और अभी जाके इसने गियर चेंज करा है 5000 RPM पे, अब फिफ्थ गियर लगा है। जैसे ही मैंने थोड़ा रेस पे पेडल से थोड़ा दूर हटा, मैं इसको 0 to 100 करके बताता हूँ कि कितने RPM तक ये मीटर जाता है। डीजल की गाड़ी में 4500 तक में चेंज हो जाता है, तो अब इसका देखते हैं एक बार। गाड़ी तो हमने इधर रोक ली, इधर थोड़ा यूं था हाईवे पे ही थे तो थोड़ा इधर क्लियर हो जाता, ट्रैफिक कम होता, तो उसमें थोड़े सेफ्टी मेजर्स के साथ भी तो चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा इधर खाली होने दो और फिर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं फुल रेस दी है, जब जाके ये 1100 meter तक ही गया है, तो अब छोड़ते हैं इसको। तो पहला गियर 6000 RPM तक गया है और फिलहाल दूसरा तीसरा गियर लग गया है, 6000 पे ही गया है और अभी गाड़ी अब 100 पे गई है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा इसका 0 to 100 रहा है। और एक बार थोड़ा सा लगता है कि स्टार्टिंग में जब हम एकदम से रेस देते थे, ये लगता है थोड़ा लैग है, पर लैग इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे पास में एक गाँव है, तो गाँव के में ब्रेकर भी होते हैं, हर टाइप की रोड होती है, तो वहाँ पर लेकर चलते हैं गाड़ी को और देखते हैं क्या कुछ रहता है, क्या इसमें हमको कहीं ग्राउंड क्लियरेंस की या कोई वैसे कोई दिक्कत वाली बात लगती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं अंदर आ चुका हूँ गांव के, तो यहाँ पर अभी एक आगे ही ब्रेकर है, तो मैं बिल्कुल सीधी लेके जाऊँगा, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं होगी, और देखते हैं क्या गाड़ी लगती है और सस्पेंशन की भी बात करेंगे। तो वैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं ब्रेक करके ऊपर से गया, काफ़ी स्मूथ गया। हाईवे का मैंने आपको बताया ही था और सिटी में भी मेरे को ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी,
हम इसको आराम से कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं गाड़ी को, कोई थकावट या कोई ऐसी बात तो इस गाड़ी में मेरे को अब तक नहीं लगी है। साइड मिरर से जो रियर व्यू दिखता है तो वो भी काफ़ी क्लियर है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। थोड़ा रोड से मैं उस साइड लेकर जाऊँ तो गाड़ी बज तो नहीं रही ज़्यादा, हालांकि मारुति की गाड़ी बजती बहुत है, पर मेरे को ऐसी कोई आवाज़ तो नहीं आई। ऑटोमेटिक में ही चला रहा था तो अब मैं इसको मैनुअल करता हूँ, तो ये मैनुअल का फर्स्ट गियर तो लग गया है, तो प्लस करने के लिए मेरे को अब इसका नीचे करना पड़ेगा। ये सेकंड गियर लग गया, अब ये वापस थर्ड गियर लग गया, तो फोर्थ गियर के बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम फिफ्थ भी लगा सकते हैं, स्पीड के ऊपर डिपेंड है ये। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पे एक मेरे को जगह मिली, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग कह सकते हैं इसको, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता, तो यहाँ पर भी मैं इसको चला के देखूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या मेरे को इसमें कोई ऐसी चीज़ लगी कि गाड़ी नीचे से लग रही है, या हमको जो सस्पेंशन है सीधे हमें हमारी कमर दुख रही है, हम जैसे कह सकते हैं हार्ड सस्पेंशन तो नहीं है, तो उसका एक बार टेस्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा है उबड़ खाबड़ी कैमरे में, अभी पता नहीं सिंपल सीधा ही लग रहा है पावर का, और मेरे को अभी तक ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं इसमें। अभी ये थोड़ा ऊपर भी है तो यहाँ देखते हैं, सीधी मैं लेके जा रहा हूँ उसको, टेढ़ी नहीं कर रहा मैं गाड़ी को, पर ग्राउंड क्लियरेंस की तो कोई दिक्कत मेरे को इसमें नहीं लगी। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, पर और इम्प्रूव हो सकती है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब टेस्ट करते हैं, ये थोड़ा ऑफ रोड हो जाएगा अगर हम गाड़ी इस गाड़ी को इस रास्ते पर ऐसे पर अगर ये जाए तो क्या इसका रिस्पांस मिलता है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो काफ़ी स्मूथली जा रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि सस्पेंशन हार्ड है, स्मूथली आराम से जा रही है बिना किसी आवाज़ के, तो यहाँ से तो ये आराम से निकल रही है। तो कुछ ऐसा मेरा जो ड्राइव इम्प्रेशन रहा है मारुति स्विफ्ट को लेकर, वो मैंने आपके साथ आज शेयर करा है। तो आज की वीडियो में देखा मैंने सारा ड्राइव इम्प्रेशन बताया, आपने जो मेरे को रिव्यू था एक ड्राइव एक्सपीरियंस का वो मैंने सारा बताया है, क्या मेरे को लगा कि गाड़ी क्या पावर लैग है नहीं है, सब कुछ आपके साथ मैंने आज शेयर करा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख सकते हो, वहाँ मैं डेली पोस्ट रील शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।